सो अगर आपका स्कैल्प का कंडीशन इस टाइप का हो चुका है एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो बहुत हद तक चांस है कि आपको हेयर लॉस, हेयर फॉल, रिसीडिंग हेयर लाइन सब कुछ हो जाने वाला है। आप हेयर प्रॉब्लम्स के अलग कारणों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो एंड ये जो मेन कारण है डैंड्रफ बना रखे हो अपने स्कैल्प में उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। सो सबसे पहले आपको डैंड्रफ को क्योर करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप कोई भी सॉल्यूशन अप्लाई करो अपने हेयर से रिलेटेड। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो शैम्पू रिकमेंड करूंगा जो कि बहुत ही अच्छा है, अगर आपका सीवियर डैंड्रफ ही हो रखा है उसे भी ये क्योर करेगा। मुझे खुजली, इरिटेशन, पपड़ी टाइप में डैंड्रफ निकलते थे, इतना ज्यादा मुझे डैंड्रफ का प्रॉब्लम था, इस टाइप का मेरा स्कैल्प बन चुका था। बट मैंने ये शैम्पू यूज किया और मुझे लगता है करीबन 5 से 6 वॉश में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला एंड कंप्लीट, मैं कहूँ तो 100% कंप्लीट मेरे डैंड्रफ खत्म हो गए। सो आप भी इन दोनों शैम्पू में से कोई भी एक शैम्पू अपने लिए जरूर यूज करना, मैं ये कह सकता हूँ कि आपका डैंड्रफ 100% खत्म हो जाएगा। सो सबसे पहले आप ये बात जान लो कि विंटर्स में डैंड्रफ एकदम कॉमन है, ये सभी को होता है एंड इस टाइप के डैंड्रफ मुझे लगता है कि आप लेमन जूस लगा के भी ये क्योर कर सकते हो। बट अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ समर्स में भी आ रहे हैं, विंटर्स के अलावा भी किसी सीजन में रह रहे हैं, सालों भर रह रहे हैं, तब ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन जाता है। उसके बाद ही डैंड्रफ के कारण आपके स्कैल्प में इरिटेशन हो रहा है, खुजली हो रही है एंड पपड़ी टाइप फ्लेक्स निकल रहे हैं, उससे फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हेयर फॉल का शुरू हो जाएगा, वो आपके रूट्स को बहुत ज्यादा वीक कर देगा एंड आपके बाल गुच्छे गुच्छों में गिरेंगे। उस कंडीशन का डैंड्रफ हो चुका है आपके स्कैल्प में तो ये नॉर्मल शैम्पू जो बाजार में मार्केट में मिलता है उससे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला, चाहे वो हेड एंड शोल्डर हो, ट्रेस्मे वगैरह हो, ये सारी चीजों से ये डैंड्रफ बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। उसके लिए चाहिए आपको एक अच्छा मेडिकल शैम्पू। रीजन की बात करें, सबसे पहला रीजन है उसका जेनेटिक्स, अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम चली आ रही है तो बहुत हद तक चांस है कि आपको ये प्रॉब्लम होगी। दूसरा जो रीजन है, जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उनको भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तीसरा जो रीजन है इसका वो है कि जो लोग बहुत ज्यादा हेयर स्प्रे, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट का यूज करते हैं जैसे कि जेल, वैक्स, हेयर स्प्रे वगैरह, देन उनको भी प्रॉब्लम ज्यादा होती है। सो अब बात करते हैं मैंने कौन सा शैम्पू यूज किया था। जो मैंने शैम्पू यूज किया था वो है नाइजरल 2% यानी किटाकोनाजोल सॉल्यूशन के साथ ये शैम्पू आता है। तो इसमें ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी भी ब्रांड पे जा सकते हो, इसमें इंपॉर्टेंट है किटाकोनाजोल सॉल्यूशन है जिससे कि डैंड्रफ क्योर होता है। बट मैंने किटाकोनाजोल सॉल्यूशन का ही अदर एक दो ब्रांड का और भी मैंने शैम्पू ट्राई किया था बट मुझे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। बट मैंने जैसे ही नाइजरल 2% पे स्विच किया मुझे लगता है कि 5 से 6 वॉश में मेरा इस टाइप का डैंड्रफ एकदम खत्म हो गया, स्कैल्प एकदम क्लीन हो गया। एंड हाँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे किसी ब्रांड ने पैसे नहीं दिए, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया इस प्रोडक्ट के साथ क्योंकि मेरे वीडियोस में इंस्टाग्राम पे हमेशा डैंड्रफ से रिलेटेड कमेंट्स आते रहते थे कि डैंड्रफ का सॉल्यूशन बताओ, बहुत ज्यादा सीवियर डैंड्रफ हो रखा है। एंड हाँ, ये जो किटाकोनाजोल सॉल्यूशन वाले शैम्पू होते हैं, ये जो मेडिकल शैम्पू होते हैं, वो नॉर्मल फैंसी शैम्पू की तरह नहीं होते, इनमें झाग कम होता है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जब आप इसे अप्लाई करोगे, बट हाँ आपको इसे सॉल्यूशन के रूप में इसे यूज करना। सबसे पहले आपको शैम्पू कॉइन साइज में अपने हाथों पे लेना एंड अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प में अप्लाई करना है, मतलब कि चमड़ी में लगना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बालों के ऊपर ऊपर, आपको अच्छे से चमड़ी में स्कैल्प का एरिया है उसमें अच्छे से आपको लगाना है धीरे धीरे हल्के हाथों से। एंड फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वॉश नहीं करना है इसे। 15 से 20 मिनट के लिए मैं छोड़ देता था, मैं बैठ के अपना फोन वगैरह चला रहा हूँ, 20 मिनट हो जाए उसके बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हो। इस टाइप के शैम्पू अगर आप यूज करोगे तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि आपके बालों को ये ड्राई कर देगा, तो इसलिए जब आप ये शैम्पू करो तो आप कंडीशनर का भी अप्लाई कर सकते हो जो कि बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद इस शैम्पू को आपको हर तीसरे दिन यूज करना है, मतलब एक बार आज यूज किया तो 3 दिन के बाद फिर यूज करना है। तो ऐसे करके आप 5 से 6 वॉश करो, मुझे उम्मीद है कि अगर मेरा इस टाइप का डैंड्रफ क्योर हो सकता है तो आपका भी इस टाइप का डैंड्रफ ये क्योर कर देगा। तो 5 से 6 वॉश में ये क्लीन कर देगा आपके कैसे भी डैंड्रफ हो। एंड मैंने अभी तक एक ही शैम्पू बताया, दूसरा शैम्पू अभी तक नहीं बताया। दूसरा शैम्पू है उसे मैंने पर्सनली यूज नहीं किया, मेरे फैमिली मेंबर ने बताया कि मेरे इस टाइप के डैंड्रफ थे तो मेरा इससे बहुत अच्छा क्योर हो गया था, वो है स्कैल्प प्लस, ये भी बहुत अच्छा शैम्पू है तो आप इसे भी यूज कर सकते हो। हो सकेगा तो इन शैम्पू का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं अगर ये शैम्पू ऑनलाइन नहीं मिले तो आप अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से इन शैम्पू को परचेस करो, आप इन दोनों में से कोई भी एक शैम्पू लो एंड उसे अप्लाई करो। एंड एक बात और कि डैंड्रफ का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, जैसे कि 5 से 6 मंथ अगर आपके डैंड्रफ खत्म हो गए तो जरूरी नहीं कि अब नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, उसके बाद महीनों बाद फिर आ सकते हैं। सो जब भी डैंड्रफ आए फिर आप इन शैम्पू का यूज करो, फिर जब खत्म हो जाए तो बंद कर दो, हमेशा यूज नहीं करना, जब डैंड्रफ है तो यूज करो। एंड हल्का फुल्का जो डैंड्रफ होता है स्कैल्प में चिपका हुआ नहीं, नॉर्मल डैंड्रफ विंटर्स में एकदम हल्के हैं तो नॉर्मल है, उतना ज्यादा वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वो नॉर्मल शैम्पू से आप खत्म कर सकते हो, बट जब सीवियर हो तब इन शैम्पू का आप यूज करो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि अभी मैं 30 डेज लगातार वीडियोज लाने वाला हूं। सो कल मैं कौन
कौन सा वीडियो लाऊं उसके लिए नीचे आप कमेंट्स करो। कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो मुझे तो आप मुझे वहां जाके फॉलो करो, क्योंकि मैं रील्स पे अब शॉर्ट वीडियोस लाने वाला हूँ। सो मिलते हैं कल।